वैसे तो औरत से उम्र, मर्द से तनख्वाह, जरनैल से मनी ट्रेल और पाकिस्तानी सदर से ये पूछना कि वो करता क्या है, बदजौकी है। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान के जितने बड़े बड़े घर हैं उनके हिसाब से गरीब वो होता है जो दो चार कनाल के घर में रहता है। हमारा तो ऐवान सदर इतना बड़ा है, वहाँ तो गरीब बंदे को अंदर आने और बाहर जाने में 5 साल लगते हैं। वैसे तो औरत से उम्र, मर्द से तनख्वाह, जरनैल से मनी ट्रेल और पाकिस्तानी सदर से ये पूछना कि वो करता क्या है, बदजौकी है। ऐवान सदर का रोज़ाना का खर्चा 15 लाख है। जो कहते हैं सदर कुछ नहीं करता, उनके नज़दीक 15 लाख रोज़ खर्चना कोई काम ही नहीं। मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है कि परसों मैंने एक रिटायर्ड जर्नैल को देखा जिसके पास कोई हुकूमती अहदा नहीं था। इस बेरोज़गारी में डॉक्टर आरफ अलवी को सदर की जॉब मिली हुई है तो बड़ी बात है, वरना उन जैसे तो बाहर दांत निकालते फिर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऐसे खुशकिस्मत हैं जिनकी लकी ड्रा में सदर की जॉब निकली। इनमें से सदर रफीक तारड़ साहब ऐसे नेक दिल थे कि किसी ने कह दिया लगता है सदर साहब गुम हो गए हैं, तो वो सारा दिन खुद को ढूंढते रहे। और सदर ममनून तो ऐसे सदर थे कि वो सदर होते हुए भी लगता था साबक सदर है। 58-2B के होते हुए वज़ीर आज़म का काम सदर को घर से ऐवाने सदर पहुंचाना होता है और सदर का काम वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घर पहुंचाना होता है। 8वीं तरमीम के खात्मे के बाद अब सदर का काम वज़ीर आज़म को कार तक पहुंचाना ही रह गया है। पहले सदर का काम 23 मार्च को अहम अफराद को अवार्ड देना होता था, इसीलिए सदर ऐसा रखा जाता था जो खुद अवार्ड लेने के काबिल नहीं होता था, बल्कि 23 मार्च को जिनको अवार्ड मिलते उनमें से अक्सर को पता ना होता कि उनको अवार्ड देने वाला कौन है। अब तो खैर ज़माना ऐसा आ गया है कि अवार्ड लेने वालों का भी पता नहीं होता ये कौन है।